लो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन अंतर्गत यानी सरलीकरण के अंतर्गत बोर्ड मास यानी बोर्ड मास के भी अंतर्गत हम डी मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डी मास, डी मास बोर्ड मास का छोटा अंग है। हम आपको बोर्ड मास डायरेक्ट हम आपको बोर्ड मास आज नहीं पढ़ाएंगे, हम बोर्ड मास कल या परसों आपको पढ़ाएंगे। पहले हम आपको डी मास के बारे में पढ़ाएंगे कि डी मास किसे कहते हैं और डी मास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखिए, बिना कोष्टक वाले सरलीकरण को डी मास कहते हैं। यह बोर्ड मास का छोटा अंग या पार्ट है। तो हम मैंने क्या कहा, डी मास बोर्ड मास का छोटा अंग है, यह बिना कोष्टक के होता है। देखिए यहाँ डी मास, इसमें कोष्टक की बात नहीं हुआ यानी ब्रैकेट की बात नहीं हुआ, ये डी मास ये है हमारा बोर्ड मास है, ये बी और ओ यानी ब्रैकेट और ऑफ का हमने नहीं लिया है। पहले हम आपको डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में हम बताएंगे, फिर आपको मैं कोष्टक के बारे में आपको बोर्ड मास का पूरा वीडियो लाऊंगा। तो चलिए, डी मास कहता है अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में एक साथ आ जाऊँ तो पहले क्या करना, पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ और फिर लास्ट में घटाव करना। तो चलिए हम कुछ प्रश्न लेकर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ए है हमारा, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए प्लस 4 प्लस 3 गुने 20 भाग 5 है। तो पहले क्या करेंगे, हम भाग कर लेंगे। तो पहले हम 4 ऐसे ही लिख देते हैं, 4 प्लस 3 गुना, आप क्या देखिए, आप क्या करेंगे, देखिए डिवाइड करते समय क्या करना है, जिस दो संख्या के बीच में डिवाइड का साइन है हम उसी संख्या से डिवाइड, ये नहीं कि आप इस हम तीन से नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं या तीन और इस कन्फ्यूज होता है कि इसमें तीन से भाग दें या पाँच से भाग दें, तो ऐसा कन्फ्यूज मत हो जाएगा। जिस दो संख्या के बीच में जो चिन्ह है उसी के बीच में भाग गुना जोड़ घटाव करेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या था, पाँच से हम बीस को भाग देंगे तो पाँचों का बीस ये चार आ गया। आप क्या बोला है, हम तो भाग कर दिया, आप क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो चार प्लस गुना तीन और चार के बीच में गुना का चिन्ह है, तो पहले हम गुना कर ले, चार या बारह और 12 और 4 का जोड़ेंगे तो 16, इसका आंसर हो गया हमारा 16। तो ऐसे ही हम डी मास का प्रयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देख लेते हैं नंबर दें, यहाँ क्या है, भाग किसको देना है, 2 से 4 में भाग देना है, तो 32 प्लस 2 × 4 2 लिखेंगे गुने 4। आप क्या करेंगे, आप भाग हमने कर लिया, आप क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, तो प्लस 4 × 8 8 जोड़ देंगे, तो 32 प्लस 8 हो गया हमारा 40, इसका आंसर हो गया 40। अब क्या करेंगे, सी नंबर देखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम इसे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 4 × 8 ये 2 आ गया गुने 3 प्लस 5। अब हमने भाग कर लिया, आप क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो 3 × 6 और 6 और प्लस 5, अब हम जोड़ देंगे, तो 6 × 5 = 11, ये हो गया हमारा 11 इसका आंसर। अब नंबर डी लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 30 को 15 से भाग देंगे, तो 7 × 15 = 30 ये 30 2 हो गया और ये -2। अब ये पहले हम आप इसके बाद हम गुना करेंगे, तो 7 × 14 आप यहाँ तो क्या बोला है, इसके गुना करने के बाद क्या बोला है, प्लस करने के लिए, यहाँ प्लस तो नहीं है लेकिन माइनस है, तो पहले माइनस हम 2 लिख लेते हैं और 14 में से 2 गया तो ये बच गया हमारा 12। अब हम क्वेश्चन नंबर ई लेते हैं, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है। तो हम पहले क्या करें, डी मास का प्रयोग करें, पहले क्या करेंगे, हम पहले भाग करेंगे, तो 7 × 3 माइनस 3 × 6 ये 2 से चला जाएगा। आप क्या बोला है, हमने तो भाग कर लिया, आप बोल क्या बोल रहा है, डिमास हमें अब मल्टीप्लाई करने यानी गुना करने के लिए बोला है, 7 × 21 और 21 माइनस 2 किया तो हमारा आंसर आ गया ये। अब यहाँ तो जोड़ नहीं था इसलिए जोड़ नहीं हुआ, अब क्या है, अब सीधा हम कहाँ गए, घटो पर आप घटा देंगे, तो 21 में से 2 गया तो हमारा ये बच गया 19, इसलिए इसका आंसर हो गया 19। अब नंबर एफ देखते हैं, यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ माइनस का और यहाँ भाग का चिन्ह, पहले हम क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं, तो 12 × 4 माइनस अब 7 से 28 को भाग देते, 7 × 28 ये 4 हो गया। अब हमने तो डिवाइड कर लिया, अब क्या करा है, गुना करने का, गुना करेंगे तो 12 × 12 = 36 12 × 48 12 × 48 आ गया हमारा ये, और माइनस 4 प्लस नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट माइनस 4 कर दिए। आप घटाएंगे तो 48 में से 4 चला गया तो हमारा बच गया ये 44, इसका आंसर हो गया हमारा 44। अब हम नंबर जी लेंगे, तो नंबर जी देखते हैं, यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ इंटू का चिन्ह, यहाँ माइनस, ये डी मास का सब का चिन्ह यहाँ आ गया। तो अब डी मास क्या बोलता है, पहले भाग करो, तो हम 4 × 1 = 28 को भाग करें, 4 × 3 = 12 4 × 8 = 32 हो गया भाग करने पर, प्लस हमारा क्या है, 12
5 - 4। अब क्या बोलता है, भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, आप गुना करेंगे। तो गुना कर लेते हैं, 32 + 12 = 60, 60 को गुना कर लिया और माइनस। अब क्या बोला है, पहले आप जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, पहले हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 60 - 32, ये हो गया हमारा 92। माइनस 2 करेंगे, सॉरी माइनस 4 करेंगे। अब इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 में 12 में 4 8, हमारा ये हो गया 88। तो ऐसे ही हम डी मास का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने डी मास इसलिए आपको पढ़ाया ताकि आपको चिन्हों में चिन्ह के सवालों को आप जल्दी कर सके, इसीलिए मैंने कोष्टक वाले प्रश्न नहीं लिए। अब अगली वीडियो में पूरा बोर्ड मास का पूरा एक्सप्लेन वीडियो लाऊंगा पूरा डिटेल में, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।